वेलकम टू अर न्यू वीडियो पेरेंट्स आज हमारा लास्ट टॉपिक है ऑपरेशन मैनेजमेंट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे पहले देखते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस होता है ऑर्डरिंग स्टोरिंग और यूजिंग एंड सेलिंग अ कंपनीज इन्वेंट्री इन्वेंट्री कंपनी की जो भी इन्वेंट्री है उसको सेल करने का ठीक है फिर है डिस इंक्लूज द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स एंड फिनिशिंग गुड्स एज वेल एज द वेयर हाउसिंग एंड प्रोसेस ऑफ सच आइटम्स और कुछ आइटम्स जो होते हैं मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स को सेल करने के लिए या वेयर हाउस तक पहुँचाने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो यूज़ की जाती है ठीक है इसका रोल क्या है ऑपरेशंस में वो देखते हैं सबसे पहले एक फंक्शन होता है जिसमें फुलफिलिंग कस्टमर्स ऑर्डर्स जो भी कस्टमर ऑर्डर देते हैं मेंटेनिंग प्रोडक्ट फ्लो एंड एब्जॉर्बिंग अब, डिमांड फ्लक्चुएशंस <coughs> इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका इन्फ्लुएंस लीड आई टाइम्स प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और कैश फ्लो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इसका अगर ये अच्छी हो तो इस पर सारी जो है इन सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ते हैं फिर ए बी सी एनालिस प्रायटाइजिंग योर इन्वेंट्री ए बी सी एनालिसिस क्या होता है क्लास आइटम्स बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड क्रिटिकली क्रिटिकलिटी ए आइटम्स बी आइटम और सी आइटम्स को डिवाइड किया जाता है ए आइटम्स जो होते हैं हाई कॉस्ट लो वॉल्यूम रिक्वायर्ड टाइट कंट्रोल मतलब कि ट्वेंटी परसेंट आइटम्स एंड एटी परसेंट वैल्यू वैल्यू जो होता है एटी परसेंट मतलब है, होते हैं और ट्वेंटी परसेंट जो हैं वो आइटम्स होते हैं वो ए आइटम्स कहलाते हैं बी आइटम्स जो होते हैं वो मीडियम आइटम्स होते हैं मॉडरेट कॉस्ट और एंड वॉल्यूम एंड मैनेज विद स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स सी आइटम्स जो होते हैं वो लो कॉस्ट आइटम्स होते हैं और हाई वॉल्यूम और सुइटेबल फॉर ब्लग ऑर्डरिंग एंड लेस फ्रिक्वेंट चेक्स मतलब कि जो प्रोडक्ट होता है या इन्वेंट्री होती है उसको जिसमें सबसे पहले हाई फिर मॉडरेट या मीडियम या फिर लो जो लास्ट है लो कॉस्ट पे किया जाता है एबीसी एनालिसिस उसको कहते हैं फिर है रिकॉर्ड एक्यूरेसी द फाउंडेशन ऑफ दी गुड मैनेजमेंट जो आपका रिकॉर्ड है उसको एक्यूरेटली रखना Uh, इसको बहुत अच्छा मतलब कि एक फाउंडेशन कहा जाता है गुड मैनेजमेंट का किस तरह से एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर क्रूशल फॉर इफेक्टिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग रेगुलर इन्वेंट्री काउंट्स एंड डेटा वेरिफिकेशन आर असेंशियल टू मेंटेन मेंटेन एक्यूरेसी मतलब कि आपका जो इन्वेंट्री या आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से मेंटेन होता है जिस तरह से आपकी जो इन्वेंट्री की जो आ, क्या कहते हैं कॉस्ट और वैल्यू जो है वो इस पर बढ़ती है और फैक्ट भी करती है ठीक है साइकिल काउंटिंग क्या होता है प्रिवेंटिंग इन्वेंट्री डिस्क्रिप पैनीज जिसमें प्लैंड पीरियडिक फिजिकल काउंट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज थ्रू आउट द ईयर मतलब सारे जो भी आपका फिजिकल काउंट्स ईयर चला है उसको सारा जो है वो काउंट किया जाता है उसमें कि आपकी जो, जो चीज़ें हैं कितनी गई हैं आपकी चीज़ों की कि कितनी की डिमांड हुई है फिर रिड्यूस ह्यूमन एरर ह्यूमन एरर जो है वो रिड्यूस किया जाता है आइडेंटिफाई सिंकेज एंड वेली रिकॉर्ड एक्यूरेसी फिर आते हैं हमारे इन्वेंट्री इन्वेंट्री मॉडल्स इन्वेंट्री मॉडल्स में ऑप्टिमाइजिंग ऑर्डर क्वान्टिटीज़ ऑर्डर की क्वांटिटीज़ जो हैं उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है जिसमें हेल्प डिटरमाइन दी राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टू ऑर्डर एडिट राइट टाइम मतलब कि राइट टाइम पे अगर ऑर्डर दिया जाए फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का सीजन होता है किसी प्रोडक्ट का तो राइट टाइम पे अगर ना सेल की जाए तो फिर उसकी जो प्राइस और चीज़ें जो हैं वो लो हो जाती है और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है इसमें दो मेन टाइप्स हैं फिक्स पीरियड सिस्टम और कंटीन्यू रिव्यू सिस्टम फिक्स पीरियड सिस्टम में ऑर्डर प्लेस एट रेगुलर इंटरवल्स रिगार्डलेस ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम में क्या होता है ऑर्डर्स ट्रिगर्ड टरी रीचेज है प्री डिटर्माइन री ऑर्डर पॉइंट वही टाइम की वही चीज़ जो मतलब कि एक जो सीज़न के हिसाब से ऑर्डर की जाती है और फिर जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती फिर फिक्स पी सिस्टम्स क्या होते हैं फिक्स पी सिस्टम में कन्सस्टिंग कंसिस्टेंटर ऑर्डरिंग सटेबल फॉर प्रोडक्टेबल डिमांड एंड स्टेबल लीड टाइम्स इसके एडवाटेज़ क्या हैं सिंपल टू मैनेज और रिड्यूस ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर का जो कॉस्ट है वो उसको रिड्यूस करना और जो जो भी हमारी चीज़ है उसको मैनेज करना सिंपल डिसडवेंटेज uh, क्या है मेली टू ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग डिपेंडिंग ऑन डिमांड फ्लक्चुएशंस फिर आता है कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम जो डायनेमिक कह, ऑर्डरिंग कहलाता है ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग प्लेस इन्वेंट्री रीचेज अ प्री डिटर्माइंड री ऑर्डर पॉइंट आर ओ पी इसको आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं फिर अडाप्टू चेंजेस इन डिमांड एंड लीड टाइम्स इसके डिसडवाटेजेस uh, क्या हैं कंटिन्यूस रिव्यू सिस्टम के रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड मॉनिटरिंग फिर है हमारा बेसिक ई ओ क्यू इन्वेंट्री मॉडल जो है मिनिमाइजिंग ऑर्डर कॉस्ट पे जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ई ओ क्यू ठीक है मॉडल कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर की कॉस्ट को होल्ड करना और जो इन्वेंट्री है उसको भी मिनिमाइज uh, करना उसकी क्वांटिटी को मिनिमाइज करके उसको हैंडल करना रिक्वायर्स डेटा ऑन डिमांड होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कि जो आपकी डेटा है वो डिमांड के हिसाब से हो और जो आपकी कॉस्ट है वो कॉस्ट है वो भी होल्ड हो कि मतलब जितना आपको नीड है वो पूरी हो जाए और कॉस्ट uh, की जो हो वो ऑर्डरिंग हो ठीक है फिर एस एफ स्टॉक बफरिंग अगेंस्ट अनसर्टेनिटी एडिशनल इन्वेंट्री हेल्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड डिमांड फ्लक्चुएशन और सप्लाई डिस्ट्रप्शन सेफ्टी स्टॉक लेवल डिपेंड्स ऑन डिमांड वेरेबलिटी लीड टाइम अनसर्टेनिटी एंड सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स इस सेफ्टी स्टॉक मतलब कि आपका जो स्टॉक हो वो सेफ हो अकॉर्डिंग टू डिमांड्स और अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स जो बढ़ जाती हैं कभी कभी सप्लाई की वजह से यहाँ का कभी सप्लाई कम हो जाती है डिमांड बढ़ जाती है तो इस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट हो वो सेफ्टी स्टॉक पे हो फिर आता है सर्विस लेवल सर्विस लेवल मेजरिंग इन्वेंट्री परफॉर्मेंस सर्विस लेवल में इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस देखी जाती है किस तरह से परसेंटेज ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स फिल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री फिर आए हायर सर्विसेज लेवल मींस हैप्पी कस्टमर बट रिक्वायर्स मोर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट finding the optimal balance between services level and cost is crucial so that's all for services level simple so if you have any question regarding uh, this inventory management then you can comment in the comment section we will inshallah answer you so if you have any question or uh, thanks for watching our video